केस में डाउन में 16 सिक्वेंट टामा टोंगा ने मिलकर जिस तरह की हरकत जिमी उसो के साथ की थी, ये चीज क्लियर हो चुकी है कि 16 सिक्वा खुद को नया ट्राइबल चीफ मान रहे हैं एंड वो रोमर्स को ऑर्डर नहीं मानने वाले। क्या रोमर्स का टाइटल जाने के बाद से वो ट्राइबल चीफ भी नहीं रहने वाले हैं? एंड ब्लड लाइन का क्या स्टेटस होने वाला? क्या ब्लड लाइन दो भागों में बटने वाली है या फिर ब्लड लाइन का फेस टर्न होने वाला है? एंड उसोस का रियूनियन क्या हो सकता है बहुत जल्द? इन सभी चीजों बात करने वाले बिल्कुल डिटेल में, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोलो सिकोवा ने जिस तरह की हरकत की थी कल वाले स्मैकडाउन में, उससे क्लियर हो चुका है कि सोलो सिकोवा को घंटा फर्क नहीं पड़ता है ट्राइबल चीफ क्या ऑर्डर दे रहा है, क्योंकि टामा टोंगा को लेके आ चुके हैं खुद को नया ट्राइबल चीफ बनाने के लिए। तो इससे क्लियर हो चुका है कि ब्लड लाइन का अब हमको बेबी फेस्टर्न देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्द। इसकी शुरुआत हमको आने वाले स्मैकडाउन में दिख सकती है जब ये लोग दोबारा से अटैक करने की कोशिश करेंगे जिमी उसो को, पर उनको सेव करने के लिए आएंगे अपने जे उसो जो एक बेबी फेस हीरो होंगे तो वो सेव करने के लिए आएंगे जिमी उसो को। तो इस तरह से यहाँ पे उसो का रियूनियन हो जाएगा एंड जिमी उसो फेस टर्न कर लेंगे। उसके बाद कुछ हफ्ते शायद से एक या दो हफ्ते बाद से रोमर रिटर्न करेंगे एज अ बेबी फेस, उस टाइम पे जब सोलो सिकोवा टामा टोंगा मिलके इन लोगों के ऊपर अटैक कर रहे होंगे उसोस के ऊपर, तो उस टाइम पे वो रिटर्न करेंगे एंड ज्वाइन कर लेंगे उसोस को एंड धज्जिया उड़ा देंगे सोलो सिकोवा एंड टामा टोंगा के मिलके और भी जो लोग होंगे। तो इस चीज़ से यहाँ पे ब्लड लाइन सिविल वॉर छिड़ जाएगा, एक तरफ पुरानी वाली ब्लड लाइन होगी जो बेबी फेस टर्न ले चुकी होगी और एक तरफ नई वाली ब्लड लाइन होगी जो एक एज अ हील काम कर रही होगी। तो काफ़ी मजा आने वाला है पुराना ट्राइबल चीफ वर्सेस न्यू ट्राइबल चीफ सोलो सिकोवा, तो काफी कुछ मजा यहाँ पे आएगा क्योंकि हमको ब्लड लाइन पिछले 4 सालों से एंटरटेन करती हुई आ रही है। तो यहाँ पे भी अभी कुछ टाइम तक ऐसा चलने वाला है, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रोमर इसका बेबी फेस टर्न होने वाला है एंड उसो का भी लमसम 4 साल के बाद से ऐसा होगा कि ये दोनों लोगों क्या यहाँ पे फेस टर्न देखने को मिलेगा हमको। तो काफी मजा आने वाला, फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है 4 साल के बाद से कि दोनों फेस टर्न करने वाले, बहुत ही जल्द हमको देखने को मिल सकता है।